नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। ट्विटर का सिनेरियो क्या चल रहा है आप सबको पता है। अभी आज की डेट में क्या हुआ, रविशंकर प्रसाद को उनका अकाउंट एक्सेस नहीं करने दिया गया और शायद एक घंटे बाद ठीक भी कर दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया लिटरली, अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए। अब इसका बन गया इशू। आप इसका सीक्वेंस समझेंगे तो आपको ये बहुत मजाकिया ढंग से पेश होते हुए नजर आएगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अमेरिका की, इस देश की भी नहीं, विदेशी कोई कंपनी, भारत में अपनी मनमानी करना चाहती है, एक देश की डेमोक्रेसी के साथ लड़ना चाहती है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर्स के साथ लड़ना चाहती है और मजाक बना के रखती है यहाँ की पॉलिसी का, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन का। इस वीडियो में बने रहिए, कोई नया सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। किसी भी तरह का सपोर्ट करना तो आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तरीके दिए हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में ट्विटर के ऊपर तलवार लटक रही है, बहुत समय से लटक रही है, इंडिया के पॉलिटिशियंस द्वारा, सत्ता पार्टी के लोगों के द्वारा ट्विटर को चेतावनी बार बार दी जा रही है कि यहाँ के कानूनों के हिसाब से रहिए, दहशतगर्दों को सपोर्ट मत करिए, एंटी इंडिया वॉइस को ऊपर मत बढ़ने दीजिए, उन पर लगाम लगाइए। बजाय इसके ट्विटर संबित पात्रा यानी कि रूलिंग पार्टी के एक प्रवक्ता के दिए गए कंटेंट को मैन्युपुलेटेड ट्वीट बताता है, लेकिन जब PFI को ऑफिशियल टेक दे देता है उन लोगों को, मतलब कि आप ऐसी ऐसी ताकतों को पलने दे रहे हैं और ऐसी ऐसी ताकतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ट्विटर की बात कर रहा हूँ। 18 तारीख को, और वैसे तो लगातार बयानबाजी चल रही है, 18 तारीख को पार्लियामेंट्री पैनल, ट्विटर कहती है कि आपको भारत के पॉलिसीज के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। इंडिया के जो ट्विटर के हेड्स को बुला के कहती है, ट्विटर इंडिया कहता है कि हम अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो करते हैं। अब रविशंकर प्रसाद जो आए दिन उनकी वीडियोस आ रही हैं, आए दिन एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि ट्विटर को ऐसे चलना पड़ेगा, वैसे चलना पड़ेगा, भारत की बात है, ये बात है, वो बात है। अचानक से क्या होता है आज के दिन कि ट्विटर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट उन्हीं को एक्सेस नहीं करने देता है, ब्लॉक कर देता है लगभग एक घंटे के आसपास के लिए। IT मिनिस्टर, जो बॉडी, जो मंत्रालय आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, जो आपको इतने समय से चेतावनी दे रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कि सबसे बड़ी सरकार, इतनी बड़ी चुनी हुई सरकार आपको इतने से चेता रही है, आपने अचानक से उसी के IT मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। अब इससे दो मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज सरकार को दिया जा रहा है ट्विटर के द्वारा कि सर अगर हम कुत्ते हैं तो हमारी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, आप इसको सीधा नहीं कर पाएंगे। सरकार क्या कर रही है, भविष्य में क्या करेगी मुझे नहीं पता, पर वहीं सरकार के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चाहे कोई मिनिस्टर हो चाहे जो हो, बस ये करें हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके बारे में ये करेंगे, हम इसके बारे में वो करेंगे। करना क्या चाहिए कि अगर आप, मुझे नहीं पता इंटरनल्स क्या मैटर हैं, ऐसी क्या बाउंडेशंस हैं जो आपको वो करने से रोक रही, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि मात्र हफ्ते 10 दिन के लिए ट्विटर को बैन कर देना चाहिए, या फिर एक बैन अभी कर देना चाहिए और ये कहना चाहिए अनटिल फर्दर ऑर्डर या अनटिल फर्दर क्लैरिफिकेशंस, हम आपको बैन करते हैं, जब तक हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बयान नहीं आता या फिर आपकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस नहीं आते, तब तक के लिए आपका रास्ता भारत में बंद है, आप यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे भी। हजारों करोड़ों का जब नुकसान पहुँचेगा ट्विटर को, उनके लोगों की नौकरियाँ जाएंगी, ट्विटर को लॉस समझ में आने लगेगा एकदम बिल्कुल, भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है, भारत इतनी बड़ी मार्केट है कि उनको लॉस समझ में आएगा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए पैसे से बढ़ के कुछ नहीं होता, वो आपके हिसाब से तभी चलेंगे जब उनको समझ में आएगा कि उनका बेनिफिट है या तो लॉस है। अगर आपके हिसाब से नहीं चलने पर उनको लॉस समझ में आएगा तब वो आपके हिसाब से चलेंगे, नहीं तो जो मिनिस्टर इतने दिन से हड़का रहा है, धमका रहा है, प्यार से पुचकार रहा है, जो कर रहा है, अचानक से आज उसी का अकाउंट कैसे ब्लॉक हो जाता है। तो भारत सरकार के मुंह पे, IT मिनिस्टर के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है ट्विटर के द्वारा। अगर अभी भी आप ये सब नहीं समझे, पुचकारते रहे कि अच्छा ऐसा करो नहीं तो वैसा कर देंगे, आपके दी हुई गाइडलाइंस, आपके दी हुए जो डेडलाइंस हैं, ना वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, ना वो डेडलाइन तक अपना काम कर रहे हैं, वो आपसे और समय मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, वो आप ही के RSS के सरसंघ चालक के अकाउंट्स लूटे खटा लेते हैं, भारत के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वाइस प्रेसिडेंट के हैंडल से ब्लूटिक हटा लेते हैं, और कई कई संघियों के, कई कई नेताओं के, कई कई पत्रकारों के हैंडल से ब्लूटिक हटा लेते हैं। आज की डेट में वर्चुअल वर्ल्ड में किसी भी ऑफिशियल
हैंडल से ब्लू टिक का हट जाना एक तरीके से वैसा हुआ कि जैसे आपकी ऑथेंटिसिटी को छीन लिया जाना है, सीधा हमला कर देना है आपको। वो बता रहा है कि हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, क्यों? क्योंकि आप यूएस में ऑपरेट करते हैं, यूएस दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी, इसलिए इतना तो यूएस डायरेक्टली भी कोई एक्शन नहीं ले सकता जितना आप इनडायरेक्टली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। इनडायरेक्टली आप में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्लम ये कि भारत क्यों नहीं समझ रहा है, भारत किस दिन का वेट कर रहा है, कुछ पॉलिसीज, कोई एजेंडा, कोई प्लान है तो बताता क्यों नहीं, भारत के वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं बताते क्यों नहीं। लेकिन एक बात मैं ट्विटर से जाते जाते कहना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकर भारत की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो सकती कभी, डेमोक्रेसी है, भारत के डिसीजन मेकर्स भारत की जनता है, आप ये समझ जाइए। और इससे मैं जनता को ये हिंट देना चाहता हूँ या डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, या तो आप लोग ट्विटर अनइंस्टॉल करना शुरू करिए, ट्विटर आईडीज डिलीट करना शुरू करिए, ट्विटर को रिपोर्ट करना शुरू करिए, या ट्विटर पे ही ट्विटर के अगेंस्ट ट्रेंड चलाना शुरू करिए, ट्विटर की नाक में दम कर दीजिए, वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने लग जाए कि उसको समझ में आ जाए कि उसने कुछ तो गलत किया है भारत में, जो भारत के लोगों को, इतनी बड़ी मार्केट को पसंद नहीं आया। खैर इस वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता, कुछ चीज़ें मैं सरकार से पूछना चाहता था जो मैंने पूछ लिया, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता जो मैंने बता लिया। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा लोगों को अवेयर करने के लिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइए। किसी भी तरह का सपोर्ट करना हो डिस्क्रिप्शन में तरीके दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी किसी चैनल पर फॉलो करना हो बिल्कुल करिए, ट्विटर पर करिए, इंस्टाग्राम पर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।